सो इस समय बिग बॉस OTT3 घर के अंदर में अदनान शेख बुरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि अदनान शेख को एलिमिनेशन से काफी डर लग रहा है। आपको बता दें कि इस हफ्ते केवल अदनान शेख ही घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं, और ऐसे मैच घर के अंदर से मिडवीक इविक्शन भी होना है, इस वजह से यहाँ पे अदनान शेख की वाट लगी पड़ी है। फिलहाल आपको बता दें कि घर के अंदर बीते जो 60 कंटेस्टेंट थे उनको आपसी सहमति के साथ तीनों बाहर वालों ने मिलकर सेव कर लिया था, और यहाँ पे बिग बॉस ने सिर्फ अदनान शेख को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड किए हैं, और इस वजह से यहाँ पे अदनान घबराए हुए हैं, क्योंकि अदनान को पता है कि यहाँ बिग बॉस हर ट्यूजडे को एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर देते हैं। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार यहाँ पे किसी एक को बेघर कर दिया जाएगा, और ऐसे में यहाँ पे अदनान इस वजह से घबराए हुए हैं। और यहाँ पे इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में अदनान अपने दोस्त विशाल से पूछ रहे हैं कि पिछली बार कटारिया का जिस तरह से सिचुएशन आई थी कि कटारिया को बचाने के लिए उनको दोस्तों को खड़ा होना पड़ा था, तो क्या तुम मेरे लिए खड़ा होगा? जिस पे गाइस यहाँ पे विशाल ने कहा, नो डाउट, मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, तेरे को बचाऊंगा, तेरे को घर के अंदर रखना चाहूंगा। फिर वहीं पे अदनान फिर से विशाल से पूछते हैं कटारिया का क्या सीन है, कटारिया बचाएगा क्या मेरे को? तो यहाँ पे विशाल ने अदनान को बताया कि मैंने कटारिया से पूछा था कि भाई अगर अदनान के लिए ऐसा सिचुएशन आएगी तो क्या तुम मेरे साथ देगा अदनान को बचाने में, जिसपे वहाँ कटारिया ने भी हाँ बोल दिया था। तो गाइस यहाँ पे विशाल के मुंह से वाली बात सुनकर कहीं ना कहीं अदनान हैरान रह गए। अदनान को भी लगा होगा यार ये दुश्मन भी बड़ा अजीब है, घर के अंदर रखना भी चाहता है और नहीं भी रखना चाहता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे लवकेश कटारिया कहीं ना कहीं अदनान शेख को घर के अंदर रखना चाहते हैं, हालांकि वो खुद के लिए नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है उनका अदनान से कट्टर दुश्मनी है, वो सिर्फ अपना दोस्त विशाल के लिए यहाँ पे अदनान को घर के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विशाल चाहता है कि अदनान शो में टिका रहे, और इसी वजह से यहाँ पे लवकेश कटारिया ने अपनी तरफ से हाँ बोल दिया अदनान को सेव करने में। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है कि अदनान घर से बेघर हो जाएंगे, और क्या कटारिया को अदनान को सेव करना चाहिए या नहीं, इस पे आप लोग अपनी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार फिलहाल इतना छोटा सा अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।